जो सीन हुआ कैंटीन का, बेसिकली वो पूरा मुद्दा ये था कि फास्टिंग करते हैं लोग अपने प्यार के लिए, अपने प्यार के साथ रहने के लिए और उनको पाने के लिए बहुत बार। तो सुमन जी ने रखा हुआ है फास्ट राजेश जी के लिए, अपने पति के लिए, सो दैट उन दोनों का जो साथ है वो हमेशा रहे। और ये बात मुनामी के सामने कहती है सुमन जी, और करण भी था तब साथ में। एंड मुनामी को, क्योंकि वो भूखी नहीं रह सकती इसलिए वो फास्टिंग नहीं कर पाती है। सो करण ऐसा एक्सप्रेस करता है कि आई विश कि प्यार में हमेशा ऐसा होता कि लोग फास्ट कर पाते अपने प्यार के लिए। इट इज़ लकी, लाइक दोज पीपल आर वेरी लकी। तो आई थिंक मुनामी को कहीं ना कहीं ये बात लग जाती है, एंड देन शी टेक्स इट अप एज अ चैलेंज कि ठीक है, अगर ऐसा लगता है तुमको कि फास्टिंग रखने से दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू, तो ठीक है, मुनामी फास्ट करेगी। मुनामी, आपके फिटनेस को लेके और आपके हेयर स्टाइलिंग को लेके फैंस का बहुत क्रेज है, बहुत कमेंट्स में भी पूछते हैं क्या फिटनेस को लेकर तो ये है कि आई मेक अ पॉइंट कि आई एक्सरसाइज एवरी डे वेन एवर आई गेट टाइम। भले ही मैं 10 मिनट करूँ, 12 मिनट करूँ, 20 मिनट करूँ, इट डिपेंड्स ऑन डे टू डे। समटाइम्स आई हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, लाइक 6:30, 7:30 इन द मॉर्निंग, बट देन दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जिस तरह का खाना मैं खाती हूँ, और आई एम अ फूडी एज यू ऑल नो, तो खाना पसंद है और साथ में एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाता है तब स्पेशली। तो आई मेक अ पॉइंट दैट आई एक्सरसाइज सो दैट आई कीप माई सेल्फ फिट। सुनो ना, हाल ही में अभय की भी एंट्री हो चुकी है, कोयल और अभय का जो चल रहा था, जिस तरह से दादी आ जाती है, तो क्या सीन? अभय की एंट्री हो गई है और साथ में साथ दादी की भी एंट्री हो गई है शो में। और दादी इनिशियली ये दिखाती है कि वो कोयल के साथ है और वो सबका विश्वास जीत के एकेडमी के अंदर रहने लगती है, और एकेडमी के अंदर रह के वो इतनी सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है कोयल के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है, और उसके बाद निखिल की कस्टडी की केस फाइल कर दिया है उन्होंने कोर्ट में, एंड विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम एरिया, कज अभी बहुत मुश्किल हो गया है हमें ये प्रूव करना कोर्ट में कि कोयल निखिल को एक अच्छी और स्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। बट देन हम गिव अप नहीं करेंगे, एंड कोई ना कोई तरीका तो निकल ही आएगा जिससे कि निखिल अपनी माँ के साथ रहे। आने वाले दिनों में बेसिकली परम भैया का जो राज है वो खुलने वाला है, और खुल चुका जो राज है उसको कैसे हम सबके सामने लेकर आएंगे और कैसे ये प्रूव करेंगे कि कोर्ट के सामने कि परम भैया जो है वो टेररिस्ट है, एंड ही वाज अ मास्टरमाइंड ऑफ आरपीएफ। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न है फिलहाल। एंड देन कोयल का जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है, बिकॉज अब है इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला है, भले ही हमको लाख कोशिश कर ले कि किसी तरह से प्रूफ मिल जाएगी कोयल निखिल को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकती है, बट देन कब तक होगा और कैसे होगा और अभय के रहते हुए कितना मुश्किल होगा वो देखने लायक रहेगा। देखा जाए तो फैन भी आपके करण की जोड़ी को फ्रेंड्स काफ़ी नहीं कर रहे, पसंद कर रहे, सो उस समय के क्या कहना चाहेंगे? फैंस को तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट यू गाइज बिहाइंड माई बैक ऑलवेज, एंड आप हमेशा इतना प्यार देते हैं मुनामी को और करण को, इस जिद्दी दिल मारेना की टीम को इतना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, देखते रहिए जिद्दी दिल मारेना सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ओनली ऑन सोनी सब।